डायरेक्टर निशिकांत कामत नहीं रहे जिन्होंने बॉलीवुड को दृश्यम, मदारी, फोर्स और मुंबई मेरी जान जैसी फिल्में दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर ये आई है कि 50 साल के डायरेक्टर की हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें लिवर से जुड़ी परेशानी थी, जिसके चलते वो कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे। आज सुबह यानी 17 अगस्त से ही उनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही थी। कुछ समय के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, जिसके बाद उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई। सुबह उनकी मौत होने की खबर आई, लेकिन फिर उसका खंडन आया और जिन जिन सेलिब्रिटीज ने ये शेयर किया था इस खबर को, उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांगी और खंडन किया। लेकिन अभी जो खबर आई है वो यही है कि निशिकांत कामत नहीं रहे, और जो AIG हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने निशिकांत की बीमारी के बारे में बात की है और उन्हें कब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था ये बताया है। तो ट्विटर पर सबसे पहले इसकी जानकारी एक्टर रितेश देशमुख ने दी थी, उसके बाद AIG का जो स्टेटमेंट आया है वो ये है। हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल ने ये स्टेटमेंट लिखा है कि 31 जुलाई को निशिकांत कामत को बुखार और कमजोरी के चलते एडमिट करवाया गया था। जांच के बाद पता चला कि उन्हें लिवर सिरोसिस है, जिससे वो पिछले 2 सालों से जूझ रहे हैं। शुरुआत हमने दवाओं से की, उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी हालत ख़राब होने लगी। उसके तुरंत बाद उनको ICU में शिफ्ट किया गया, जहाँ उनकी स्थिति और ख़राब होती गई। कल यानी 16 अगस्त से ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टरों की काफ़ी कोशिश के बाद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ। उनके शरीर के कई हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था, और आज यानी 17 अगस्त शाम 4:24 पर उनका निधन हो गया। हम उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अजय देवगन, जिन्होंने उनके साथ दृश्यम फिल्म में काम किया, उन्होंने ट्वीट करके उन्हें याद किया और कहा कि निशिकांत के साथ मेरा समीकरण केवल दृश्यम एक फिल्म के बारे में नहीं था, जिससे उन्होंने तबू और मेरे साथ निर्देशित किया। ये एक ऐसा एसोसिएशन था जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूँगा। वो उज्जवल थे, सदा मुस्कुराते रहने वाले, बहुत जल्दी चले गए। रेस्ट इन पीस निशिकांत। डायरेक्टर होने के साथ साथ निशिकांत एक्टर भी थे, जो जॉन अब्राहम की फिल्म रॉकी हैंडसम और भावेश जोशी जैसी फिल्मों में एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। निशिकांत जल्द ही फिल्म दरबार बनाने वाले थे, जो साल 2022 में रिलीज होने वाली थी। ये खबर यहीं तक। देखने के लिए शुक्रिया। सिनेमा जगत की और खबरों के लिए आप हमारे साथ रहें।